वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, वो मिली भी तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। तो क्या करें साहब, दौर ही ऐसा है, जितना कम से कम लोगों से मिलिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। और आपके दिन को सुरक्षित रखने के लिए आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं, फिर आगे। आज 1 जुलाई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। एकादशी तिथि है शाम 5:30 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है देर रात 2:34 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शाम 8:56 पर। आज भद्रा है सुबह 6:40 से शाम 5:30 तक। श्री हरि शयनी एकादशी है, चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं, श्री विष्णु शयन उत्सव। तो साहब दौर ऐसा है कि दूरियां नई नजदीकियां बन गई हैं, तो जिससे प्यार करते हैं उससे फिजिकली जितना दूर रहें उतना अच्छा है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन तकनीक के जरिए हम और आप तो कभी दूर नहीं हो सकते, तो आज भी साथ हैं समझने के लिए आज के दिन को। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए अपने दिन को जानने, समझने और टिप्स पर चलने के लिए। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी को फिर से नए भरोसे से देखने का समय आ गया। पहले जो मन बुझा हुआ था अब उसमें सुधार होता चला जा रहा है और आप नई प्रेरणा के साथ मेहनत कर पा रहे हैं। इसका अच्छा फल आज की सफलता के रूप में आपको जरूर मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपका मन किसी नए काम की ओर बनता भी चला जा रहा है। घर परिवार में आपको अपनों का भी सहयोग मिला हुआ है कि आप किसी नए रास्ते को टटोलें और उसमें आपके अपनों की सहमति भी आपको मिलती चली जाए। कुल मिलाकर इसे ऐसे कहना चाहिए कि नई संभावनाओं को टटोलने का अच्छा समय। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर किसी चीज में बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं। इसलिए कोई ऐसी जल्दबाजी भी ना दिखाएं कि सब कुछ रातों रात हो जाए, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें रुकावटें भी बनी रह सकती हैं और छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी करना वो ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों की मेहनत में कमी आ रही है और मन की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है जैसे फिर से मुश्किलें दस्तक दे रही। पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए भी सतर्कता से चलने की जरूरत है। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर करेंगे तभी अपनी कोशिशों को सही दिशा दे पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? आपका भरोसा भी अच्छा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मददगार, पर अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाने से बचना होगा। वैसे भी पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे ताकि आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे। अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिठाते चले जाने से भी बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? लाभ भी बन रहा है और अचानक बनती हुई परिस्थितियां भी आपकी मदद कर रही हैं, पर लोगों की बातों में आकर कोई ऐसा खर्चा ना बढ़ाएं जो आपके नुकसान का कारण बन जाए। पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला भी ना करें जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। तो पैसे से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिएगा ताकि आपका पैसा कहीं फंसे ना। नहीं फंसेगा, आप हमें हमारे साथ और हम आपको गाइड करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। सर आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, और सवाल जिनका है उनका नाम है जयेश रमेश काठोर, इनका सवाल है। डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1987, टाइम है रात के 1:05 और जन्म स्थान है जलगांव में इनका जन्म हुआ है। तो जानना यह है, उससे पहले लिख ये रहे हैं कि पूरा परिवार आपके तारे देखता है और कई बार बड़े मुश्किल वक्त में बहुत ज्यादा मदद मिली है आपके टिप से। जयेश जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ध्यान से सुनते हैं। मकसद भी हमारा यही है कि सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं अच्छे समय में भी आपके तारे को सुनिए ताकि बुरे वक्त से पहले आप उसके लिए तैयार रहें, वक्त खराब ना आए। जानना ये चाहते हैं शादी कब तक होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एक प्लॉट लेना चाहते हैं, घर का सपना है, वो सपना कब तक पूरा हो पाएगा, अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है फाइनेंशियली इनके सामने, कब तक स्थिरता आएगी जीवन में। जयेश आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की 1 अप्रैल 2022 तक। काम में कब सुधार होगा? देखिए एक समय तो चल रहा है और आने वाले 6 महीने
ये अच्छा ही समय कहूंगा जिसमें कामकाज में सुधार होता चला जाए और आपका भरोसा भी बनता चला जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आगे चलकर 2024 में आपके काम में और ज्यादा लाभ का योग है और अच्छे से आपके काम में स्थिरता, तो ये बहुत बड़ी बात है। शादी में वैसे ही बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, फिर भी अभी देरी का योग है और अच्छा समय या अच्छा योग अगर शादी के लिए कहूँ तो वो तो बनता है जी 2023 में। और इस देरी से बचने के लिए एक समय है जिसमें कोशिश की जा सकती है, अपनी ओर से आपके परिवार की ओर से प्रयास किया जा सकता है, वो समय है अक्टूबर नवंबर 2021 में, अब से कह लीजिए सवा साल के बाद, उस वक्त कोशिश जरूर कीजिए, नहीं तो फिर 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि आपकी, तो आपका दिन कैसा है और इसे कैसे प्लान करना है समझिए ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भी बनी हुई है और आप लोगों पर फिर से भरोसा भी कर पा रहे हैं, इसलिए शायद आपने अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा भी रखा है। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का भी बहुत मन है, जिस वजह से आप अपनों की सहमति और अपनों का सहयोग चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए, समूह इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो मुश्किलें दबे पांव आ जाती हैं, इसलिए सहजता अपनानी होगी और बहुत सूझबूझ से फैसले करने होंगे। ये समय ही ऐसा है जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है, इसलिए भी समय लग जाने दें और जल्दबाजी में फैसले करने से बचें। क्या ना करें, समय कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। ये समय ऐसा है जिसमें पैसा लग जाए पर लाभ बनने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, इसलिए किसी एक चीज में जरूरत से ज्यादा निवेश ना करते चले जाएं। कर्क राशि वाले अपने घर परिवार की खुशियों को भलीभांति समझ पा रहे हैं और उनमें अपना अच्छा योग दे भी पा रहे हैं, फिर भी विचारों का मतभेद हो सकता है जिसमें किसी ना किसी तरह का अहम का विचार जुड़ा हुआ हो, पुराने चलते हुए मतभेद फिर से उभर कर आ सकते हैं। क्या करना चाहिए, समय उस अच्छाई की ओर देखें जो धन लाभ के रूप में आपके लिए बनी हुई है और ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की भी कोशिश कर लें। अपनों की जरूरतों को पूरा करते चले जाने से भी सुख का आभास होता है। क्या ना करें, समय में काम और कारोबार को लेकर अपने मन में प्रतियोगिता की भावना लानी होगी ताकि आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। सिर्फ बदलाव करना ही हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से भी नुकसान भरी परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। तो सिर्फ बदलाव ही हर समस्या का समाधान नहीं होता, कभी कभी स्थिरता भी समस्या से बचकर निकल जाने का रास्ता देती है। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या ज्योतिष गुरु, इनके लिए आज किस तरह के रास्ते बन रहे हैं और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने का समय है। इस प्रयास में कुछ सीखने का जो भी आप मन बनाएंगे उससे आपके भविष्य में बड़ी सफलता के रास्ते खुलेंगे। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए, समय कामकाज में तरक्की पाने का समय है, जिसके लिए लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा। हो सकता है ऐसे में लोगों की आपके प्रति ईर्ष्या भी बनी रहे, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता तो बनानी ही पड़ेगी। कामकाज से जुड़ी स्थिरता बनाए रखने से फायदा भी जरूर होगा। क्या ना करें, समय में तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ऐसा करते हुए घर परिवार में रिश्तों पर भी कोई बुरा असर ना पड़ने दें। अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें ताकि निजी जीवन की मुश्किलें व्यर्थ में बढ़ती ना चली जाएं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई है। इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए लोगों से मधुरता से पेश आने की जरूरत है और अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की कड़वाहट को दूर कर देने की भी जरूरत है। जिंदगी का सच्चा सुख तब बनता है जब इंसान लोगों से सहजता से पेश आए और अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखे। क्या करना चाहिए, समय आर्थिक स्थिति ठीक है और आपको अपनों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे और कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का गलत फैसला करते चले जाने से भी बचना होगा। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें, समय लोगों से मिलते हुए सहयोग के पीछे भी कोई ना कोई चुनौती हो सकती है, इसलिए रिश्तों को संभालने में आप अपनी ओर से गलती ना करते चले जाएं। बार बार अपने फैसलों को बदलते चले जाने से भी इस समय कोई लाभ होने वाला। तो फैसलों को बार बार बदले नहीं, इससे लाभ नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशंस मुश्किलें हो सकता है बढ़ जाएं, इसलिए फैसलों पर टिक के रहें। समय सर एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने आशीष दीक्षित का, 25 सितंबर 1988 मुंबई में इनका जन्म हुआ है, रात में AM 12:20। बिजनेस में प्रोग्रेस के आसार कब तक हैं,
क्या जोखिम उठाएं तो कोई फायदा होगा इस समय, इस समय को ध्यान में रखते हुए कि समय वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हर एक के लिए? और दूसरा, अपने वाहन और अपने घर का सुख जीवन में कब तक मिल सकता है? आशीष, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा भी चल रही है बुध की जून 2021 तक। कब तक बिजनेस में प्रोग्रेस होगी ये बड़ा सवाल होता है जी। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में आगे बढ़े और अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता चला जाए और आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती चली जाए। देखिए, आपकी कुंडली भी ऐसा ही कुछ दर्शा रही है कि अब से एक साल के बाद ऐसा योग बनेगा जो आपकी प्रोग्रेस दर्शाएगा। तो फिलहाल इस समय कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। वैसे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़े से धैर्य के साथ ही इंसान को एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। आपने भी जो बाकी चीजें कही हैं जिंदगी की प्राथमिकताओं को लेके, वो सब भी पूरी होती चली जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना है, जो आप चाहते हैं एक एक करके सब मिलेगा आपको जीवन में, जल्द मिलेगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक के लिए आप कैसा देखते हैं आज का दिन, और इनके लिए खास बात क्या है, ये क्या करें क्या ना करें आज? तुला राशि वालों के काम के प्रति लगन बढ़ेगी तो मेहनत खुद ब खुद बनती चली जाएगी और उसका अच्छा फल जिंदगी की खुशियों के रूप में आपको मिलता चला जाएगा। ये समय ही ऐसा है जिसमें फिर से कोई ना कोई तकरार भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें आपके मन में बिठा हुआ अविश्वास भी शामिल है। इसलिए लोगों को ज्यादा समझना होगा और उनसे ताल्लुकात सुधारने भी होंगे। क्या करना चाहिए इस समय? अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं जो लोग आपकी बात को समझ पाए। काम के प्रति भी अच्छाई बनी हुई है और आपका समर्पण भी अच्छा है, पर सख्त होते हुए विचार आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या ना करें इस समय में? अपनी मानसिकता ऐसी ना बनाएं जिसमें विचारों का मतभेद उभरता चला जाए। अपनी बात को भी इस लहजे में ना कहें जो लोगों को हर चीज बुरी लगनी शुरू हो। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से भी अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को किसी खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों की मधुरता बनाए रखने का समय है, जिसके लिए आपको अपनों के लिए वक्त निकालना होगा। कामकाज से जुड़े दबाव अपनी जगह है और घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने से पहले एक बार ये सोच लें कि आप उससे कहां तक निभा पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी रिश्ते को अपनी जिंदगी में तो वापस ले आए पर आगे चलकर उसे निभाना मुश्किल होता चला जाए। तो ये तो बात हुई तुला और वृश्चिक की, और अब बारी आती है धनु और मकर राशि की। तो ज्योतिष गुरु, धनु और मकर, इनको भी तैयार होना है आज के दिन के लिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ बेहतर करने का प्रयास करना है। तो कैसे क्या प्रयास करें और क्या ना करें? धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका भरोसा जगेगा और आप कुछ बेहतर फैसले भी ले पाएंगे। वैसे भी ये समय आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय? लाभ कमाने की इच्छा ही इंसान को प्रेरणा देती है कि इंसान कुछ बेहतर कर पाए। फिर भी विनम्रता बनाए रखनी होगी क्योंकि ये समय आपके प्रबल होते हुए विचारों को दर्शा रहा है, जिसकी वजह से विचारों का मतभेद उभर सकता है और उसे ही संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय? दूर स्थान से जुड़े विकल्प अच्छे लग सकते हैं, पर जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके असंतोष को जाहिर करता चला जाए। इसलिए दूर स्थान से जुड़े फैसलों का असर अपने रिश्तों पर भी बिल्कुल ना पड़ने दें। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखना बहुत अच्छी बात, पर अपनी कोशिशों को बिखेरते चले जाना ठीक नहीं है। इस वजह से बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उस दिशा में अपने कदम बढ़ाना हानिकारक हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को निखारना होगा और भविष्य के लिए खुद को तैयार भी करना होगा। ऐसा करने के लिए आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसका पूरा फायदा उठाया भी जा सकता है। क्या ना करें समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और उसे अपनी मेहनत से बढ़ावा दिया जा सकता है, पर किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव का विचार बनाना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि उस विचार को बहुत दूर तक निभाना भी इस समय आसान नहीं। तो ये वक्त किसी यात्रा का नहीं है, जहां हैं वहीं रहिए। देखिए, राशिफल भी समय के हिसाब से ही आपको गाइड कर रहा है। ये समय वाकई कहीं आने जाने का नहीं है। यथास्थिति बनाए रखें, सुरक्षित रहें, बेहतर भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। सर, आगे अब बात कर लेते हैं हम कुंभ और मीन की।
तो इनको अपने आप को किस तरह से इन बदली हुई परिस्थितियों में, इस डर भरे माहौल में खुद को सुरक्षित रखना है, तैयार रखना है और बगैर किसी डर के कुछ बेहतर करना है? कुंभ राशि वाले समझ लें कि जिंदगी की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप अपने मन में कितना धैर्य बना पाते हैं। आर्थिक स्थिति संभली हुई पर स्थिरता बनाए रखने में ही फायदा है, क्योंकि ऐसा फैसला करने से ही आप अपने धैर्य को बना पाएंगे और लोगों पर दर्शा भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना है तो दूरियां बनाते चले जाने से बचना होगा, और आप बार बार कोई ना कोई ऐसे फैसले लेते चले जा रहे हैं जिसमें आपको लोगों से दूर रहना पड़े। हर चीज के पीछे कोई ना कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें समय में? काम से हर तरह का लाभ बना हुआ है पर लाभ को संभालने की दिशा में लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है। अपनी कोशिशों को भी इस रूप से बनाए रखें जिसमें आपके लिए लाभ लगातार बना रहे और आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना। मीन राशि वालों के प्रदर्शन में कमी आएगी तो उसका असर दबाव के रूप में कामकाज पर पड़ेगा, इसलिए अपने दबाव को भी अपनी मेहनत से ही संभालना होगा और अपने कामकाज को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश करनी होगी। ये सफलता भरा समय है, इसका पूरा फायदा उठाना होगा। क्या करना चाहिए समय? मेहनत का रास्ता जरूर अपनाएं पर अपने मन में भरोसा भी जगाए रखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को इस्तेमाल करने से ही इस समय फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? कई तरह की भाग्यशाली परिस्थितियां हैं आपके सामने जिस बारे में सोचा जा सकता है, पर इस बात को भी समझ लें कि किसी भी प्रयास में लाभ और हानि दोनों ही परिस्थितियों को साथ ही साथ कबूल करना होगा। सिर्फ लाभ की उम्मीद लगाकर इस समय फैसले करना ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ लाभ की उम्मीद नहीं फैसले नहीं करने हैं, सोच समझ कर जो सही हो उचित हो वो तय करना है। खैर आगे ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का रुख करते हैं। तो जैकपॉट में आज किस राशि के नाम क्या खास निकलने वाला है? मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अपना भरोसा भी जगाना होगा और लोगों से भी उसी भरोसे से जुड़ना होगा। आपसी तालमेल बनाए रखने से बहुत सारी चीजें आपके हित में बनती चली जाएंगी और जिंदगी की चुनौतियों को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। तो इसी के साथ वक्त आ गया है आप सबसे इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी नमस्कार। तो कल एक बार फिर से आप सबकी मुलाकात होगी ज्योतिष गुरु से, कल दिन कैसा है उसे समझने जानने और तैयारी करने के लिए। अगर आप कोई सवाल कोई समस्या हमसे शेयर करना चाहते हैं तो aapketare@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो कल मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ, कल होगी मुलाकात और कल भी आपका साथ देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।